एक और बड़ी खबर, सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों को फौरन जगह खाली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में मुआवजा लेकर 31 जुलाई तक खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे जो प्रभावित थे वो, कि और उन्हें वक्त दिया जाए, लेकिन फौरन जगह खाली करनी होगी। इस बीच जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन है वो भी जारी है। जल सत्याग्रह जिसकी जिसे संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया, कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं वो तमाम लोग जो कि इस डूब के प्रभाव में आने वाले हैं। करीब 40,000 लोगों का ये आंकड़ा है और कुछ गांव इसमें हैं मध्य प्रदेश के। विरोध यही कि इससे पहले जो लोग प्रभावित हुए थे उनका सही तरीके से विस्थापन नहीं हुआ था, पुनर्वास उन्हें उस तरह से नहीं दिया गया था, लिहाजा जब तक ये अश्योरेंस ना मिले कि उन वो जो पुराने लोग थे और ये जो नए लोग हैं जिन्हें नई जगह बसाया जाना है, जब तक उनका पुनर्वास सही जगह पर नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे।